कुछ पाने का जुनून और अपने नाम को बड़ा बनाने का लक्ष्य आपको किस कदर बुलंद बना देता है, इसकी एक कहानी आपके सामने रखते हैं। बुलंद हौसले की ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे, जहां दोनों हाथ को खो देने के बाद भी पढ़ाई नहीं छोड़ी गई, बल्कि पैरों से लिखकर परीक्षा दी जा रही है और आईएएस बनने का सपना है। कहानी है मुंगेर जिले के रहने वाले नंदलाल की। नंदलाल फिलहाल बीए की परीक्षा दे रहे हैं और यहीं पर उनकी एक तस्वीर वायरल हो गई, जहां वो अपने पैरों से लिख करके सवालों का जवाब दे रहे हैं। यूं तो हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, हमारा देश प्रतिभाओं से भरा पड़ा है। देश के कोने कोने से हर रोज किसी न किसी प्रतिभावान शख्स की कहानी हमारे सामने आती है। ऐसी ही कहानी आज एक बार फिर से हम आपके सामने लाए हैं, जिसने ये साबित कर दिया कि प्रतिभा किसी समस्याओं को अपनी मंजिल के रास्ते का हुड़ोरा नहीं बनने देती। प्रतिभा अपने रास्ते की हर समस्या को पार करके मंजिल को प्राप्त कर लेती है। मुंगेर जिले के हवेली खगड़पुर नगर इलाका के रहने वाले नंदलाल ऐसी ही एक मिसाल है, जो अपने दोनों हाथों को खो चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ कर गुजरने का लगन ऐसा है कि पैरों से लिख कर के परीक्षा दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये पता चला है कि कई साल पहले करंट लगने के कारण उनके दोनों हाथों को काट दिया गया था। हालांकि इससे उनका सफर नहीं रुका, आगे चलकर नंदलाल के दादाजी ने उन्हें हिम्मत दी और पैरों से लिखना सिखाया। नंदलाल वर्तमान में मुंगेर के आरएस कॉलेज से बीए की परीक्षा दे रहे हैं और यहीं से उनकी तस्वीर वायरल हो गई। वो पैरों से लिख करके सवालों का जवाब दे रहे थे, सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर वायरल हो गई और फिर लोग उनके हौसले को सलाम करने लगे। बताया जा रहा है कि नंदलाल आर्थिक हालात से कमजोर है, लेकिन उनके हौसले खूब मजबूत। बीए के बाद वो बीएड करना चाहते और उसके बाद आईएएस बनने का सपना देख रहे हैं। बता दें कि साल 2017 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा दी थी और इस परीक्षा में प्रथम श्रेणी में पास किया था। इसके बाद 2019 में उन्होंने 12वीं की परीक्षा दी और वो साइंस स्ट्रीम से प्रथम श्रेणी से पास हुए और अब वो अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई अर्थशास्त्र से कर रहे हैं। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि ऐसे हालात में कोई भी इंसान अपने जीवन को समाप्त कर लेता है, लेकिन उन सब के लिए नंदलाल एक मिसाल है। नंदलाल के इस हौसले को हमारा भी सलाम है। आगे सर कि हम बीए जब फाइनल हो रहा था उसके बाद बीएड करने के लिए सोचे, और हमारे सपना है कि हम एक आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन वो हमारे फैमिली के मतलब सही से मतलब ये नहीं इनकम जो है कि जो हम वो नहीं कर पा सकते, मतलब उस फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं कि आगे आप कर पाए उसको, इसके लिए आप नहीं सर। सिर्फ हमें 2017 में मैट्रिक जब फर्स्ट डिवीजन किए थे तो वहाँ के एसडीओ साहब संदीप कुमार सिंह थे, वो हमें 1,00,000 रुपया दिए थे इंटर के लिए बनना है, लेकिन आपको मदद नहीं मिल रहा है कहीं। अच्छा, हमारे दादाजी ने बचपन में जब हमारा हाथ कट गया तो वो स्लेट पेंसिल से हमें सिखाया पैर से लिखने के, और वो ये बिजली का तार से जो 2006 में हुआ जिसमें आपका दोनों हाथ कट गया। अभी आप पैरों से लिख रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत होती है इसमें कोई? क्या नाम हुआ आपका? लाल कुमार। घर? हवेली खगड़पुर संतोला। मामला नहीं है, वो तो विकलांग है और पैर से लिख रहा है, उसका दोनों हाथ नहीं है, और इससे जब पूछा कि अलग व्यवस्था करना पड़ा, नहीं सर हमको जो सीट है उसी में हम आराम से लिखते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से वो लिख रहा है, पैर से लिख रहा है लेकिन लगता है कि हाथ से लिख रहा है। नंदलाल कुमार है और वो इकोनॉमिक्स ऑनर्स है। अच्छा सर, एचएस कॉलेज का। कहाँ से? नहीं ये तो पता नहीं, एचएस कॉलेज का विद्यार्थी है। कॉलेज का हम लोग। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर उदय शंकर। धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है।